आज का एपिसोड आपके लिए बहुत खास होने वाला है यदि आप इंट्रा या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट यात्रा मैं अमरदेव सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूँ इससे पहले कि मैं शुरू करूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो यू डोंट मिस दैट वीडियो कुछ सालों में काफ़ी पॉपुलर मेथड आया है मार्केट्स को एनालाइज़ करने के लिए जिसे प्राइस एक्शन कहते हैं और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए प्राइस एक्शन इज़ अ वेरी गुड मेथड टू एनालाइज़ द मार्केट्स इंटरप्रेट द मार्केट्स एंड प्रेडिक्ट द मार्केट्स यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह बहुत लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए वहीं प्राइस एक्शन में टेक्निकल इंडिकेटर्स को बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है उनके बिना ही मार्केट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाती है प्रिसाइसली प्राइस एक्शन में हम प्राइस और क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स हैं उनमें डबल टॉप्स डबल बॉटम्स ट्रिपल टॉप्स ट्रिपल बॉटम्स हायर टॉप्स एंड बॉटम्स लोअर टॉप्स एंड बॉटम्स ट्रेंड लाइन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इन सब को हम लोग यूज़ करते हैं प्राइस एक्शन तो चलिए अब सीखते हैं कि प्राइस एक्शन को किस तरह से यूज़ किया जाता है चार्ट्स पे तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से ये स्टॉक जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में एक रेंज बाउंड जोन में ही ट्रेड कर रहा होता है और फिर अचानक से उसमें एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है और प्राइस जो है वो एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट हमें वहाँ देखने को मिलती है तो इस ब्रेकआउट को हम प्राइस एक्शन ब्रेकआउट कहेंगे क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक मूवमेंट हमें देखने को मिली उसी तरह से यदि प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो उसे हम प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन कहते हैं तो कंसोलिडेशन जोन के बाद एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड की तरफ आए और यदि हम उसमें कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करते हैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्राइस एक्शन इंडिकेटर कहा जाएगा इसी तरह चार्ट्स पे यदि डबल टॉप या डबल बॉटम फॉर्मेशन होता है जैसा इन चार्ट्स में हम देख सकते हैं तो यदि डबल टॉप फॉर्मेशन के ऊपर प्राइस जाता है जिसे प्राइस ब्रेकआउट कहते हैं तो वहाँ हम बाइंग कर सकते हैं और उसी तरह डबल बॉटम के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ हम सेल कर सकते हैं तो इसमें जो मैंने कहा कि क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो प्राइस एक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं सिमिलरली हम इस चार्ट में देख सकते हैं जहाँ हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स बन रहे हैं तो इस केस में हम एक ट्रेंड लाइन जो है हायर टॉप्स के ऊपर बनाएंगे और जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो जो सबसे नियरेस्ट बॉटम रहेगा उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसी तरह से यदि लोअर टॉप्स एंड बॉटम्स फॉर्मेशन हम इस चार्ट में देखते हैं तो जब ये और एक ट्रेंड लाइन हम लोग खींचते हैं और जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होता है उसके नीचे प्राइस जाता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है और जो रिसेंट वाला जो टॉप है ये टॉप इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आप चाहे वो हायर टॉप्स हो हायर बॉटम्स हो डबल टॉप्स हो डबल बॉटम्स हो ट्रिपल टॉप्स हो ट्रिपल बॉटम्स हो ट्रेंड लाइंस हो सपोर्ट uh, जोन्स हो इन सब को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज के लिए तो इस ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी की प्रॉबिलिटी बढ़ाने के लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप जो है कन्फर्मेशन के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर लगा सकते हैं तो जिस भी कैंडल पे प्राइस ब्रेकआउट होता है उस कैंडल पे यदि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होता है इसका मतलब है कि उस कैंडल पे बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स ने पोजीशन लिया है तो उसकी पॉसिबिलिटी उस प्राइस एक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इसीलिए वॉल्यूम को आप हमेशा प्राइस एक्शन में या अदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में भी ज़रूर यूज़ करें तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज में आप वॉल्यूम भी ज़रूर यूज़ करें तो उससे आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जैसे आप इन चार्ट्स में देख सकते हैं कि यहाँ जो है ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद प्राइस में एक मेजर मूवमेंट हुई है और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन हुआ है और वॉल्यूम भी अच्छी रही है तो प्राइस में एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिला तो वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ हमेशा यूज़ करें तो आपने देखा कि किस तरह से प्राइस एक्शन स्ट्रैटी को आप यूज़ करते हैं एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटजीज डिफाइन करने के लिए और आ, आ, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी स्ट्रैटी यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको उस स्ट्रैटजी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो आप उस स्ट्रैटजी में कॉन्फिडेंट हैं तो वो स्ट्रैटजी आप यूज़ कीजिए उसके साथ ही प्राइस एक्शन जो है वो देखने में काफ़ी सिंपल स्ट्रैटजी लगती है लेकिन वो एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटजी है क्योंकि वो डिमांड सप्लाई जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को काफ़ी अच्छे तरह से आइडेंटिफाई करता है तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा यदि आपकी कोई क्वेरी है कोई सजेशन है कोई फीडबैक है तो हमें जरूर लिखें मैं पर्सनली उन पे रिप्लाई करूंगा और हाँ हमें लाइक like और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को जरूर करें टिल वी मीट अगेन हैप्पी ट्रेडिंग इन्वेटमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट मार्केट रिस्क रीड ऑल द रिलेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुलवेस्टिंग